हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर पीपल हु आर इन वन साइडेड लव। ओके, सो अगर आप किसी के लिए इमोशंस रखते हैं अपने मन में और सामने वाला इंसान जो है उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, या आप नहीं जानते हो कि वो पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। बिफोर वी बिगिन द रीडिंग, आप लोग अपने इस पार्टनर के ऊपर, अपने स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनके चेहरे को ध्यान में ला सकते हैं, उनके नेम को 3 बार अपने मन में बोल सकते हैं टू कनेक्ट विद द रीडिंग। एंड सबसे पहले कार्ड शफल करके हम यही देखने जा रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके मन में आपके लिए किस तरीके के इमोशंस हैं। ओके, यानी जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, पहला कार्ड हमारे पास में है 9 of Wands। नेक्स्ट वी हैव इनिशिएट ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, the hermit, and we have 6 of Cups। bottom of the deck हमारे पास में card निकल के आया है strength का। all right, so मुझे यहाँ पर एक चीज clearly दिखाई दे रही है कि maximum लोग, जिन तक भी ये reading, ये video पहुंचने वाला है, इस person के साथ में karmic connection में हो सकते हैं। okay, जिसकी वजह से आपको इस इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो टुवर्ड्स दिस पर्सन। एंड यहां पर ऐसी सिचुएशन भी मैं देख रही हूं कि जैसे ही आप इनसे मिले होगे, या जैसे ही आपने इनको देखा होगा कहीं पर भी, आपको इंस्टेंटली हो सकता है कि ऐसा फील हुआ हो कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, एंड सेम सॉर्ट ऑफ इमोशन या सेम थिंग जो है वो इस इंसान के मन में भी आई है जब भी इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा है या आपसे इंटरैक्ट किया है। मेनली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप वन साइडेड लव में हो, या जिनको आप पसंद करते हो, मैक्सिमम लोगों के लिए शायद वो उनके वर्क प्लेस पर है। राइट, स्पिरिट की तरफ से यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है इज दैट टू कीप पेशेंस विद दिस पर्सन, और दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी पेशेंट विद देम। ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा वेट करें सिचुएशन को, और इस कनेक्शन को ग्रो होने के लिए आप थोड़ा सा समय दें। मुझे यहाँ पर ये चीज भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ये कुछ एनालाइज कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में। ये सोच रहे हैं कि आपका आना इनकी लाइफ में अगर हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन है। ओके, ये सवाल भी जो है इनके मन में उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये आपको अपने किसी पास्ट कनेक्शन से लिंक कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप वन साइडेड लव में हो इनके साथ में, और ये उस रिलेशनशिप के बारे में, उस जर्नी के बारे में रिसेंटली इन्होंने सोचा है। यस, Towards you, I can see that this person is attracted towards your physical appearance. आपकी physical appearance से ये person जो है काफी ज्यादा attracted है। This is something very clear with the hermit and the 6 of Cups. And I can also see here that this person wants to offer you something. ये इंसान आपको कुछ offer भी करना चाहते हैं। Maybe आपके साथ में इस connection को ये grow करना चाहते हैं, या बात जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑल दो जितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ विद द कार्ड्स एंड इंट्यूटिवली ऑल्सो, यहाँ पर ऐसे चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, या इनका जो अटैचमेंट है, इनके जो इमोशंस हैं, वो किसी और के साथ में भी लिंक्ड हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है, ज्यादा लोगों के लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए विद द 9 of Wands, कि जिनको आप पसंद करते हो वो इस समय पर एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है, या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उलझे हुए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में,
और किसी रिश्ते से निकलने के बारे में वो सोच रहे हैं, कहीं से वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इनके साथ में कोई कोई टॉक्सिक एक्स पार्टनर वाली सिचुएशन जो है वो हो सकती है। फॉर सम पीपल दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ सिंगल पेरेंट। ओके, ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए, इंसान सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या ये सेपरेशन में है इस समय पर, इनका डाइवोर्स होने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आई फील ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें और देखें कि ये कनेक्शन जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अट्रैक्शन इनकी तरफ से भी मुझे काफी स्ट्रांग दिख रहा है टूवर्ड्स यू। नाउ लेट्स सी कि क्या आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन आगे जाकर के डेवलप हो सकता है। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? क्या ये इंसान पूरी तरीके से आपके साथ में जुड़ पाएंगे फ्यूचर में? क्या आप लोगों का एक अच्छा स्ट्रांग कनेक्शन, एक रिश्ता बन सकता है? कीप फोकसिंग ऑन योर स्पेसिफिक पर्सन। अपने स्पेसिफिक पर्सन के चेहरे को आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके नाम को आप अपने मन में एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, 3 times रिपीट कर सकते हैं। क्या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो सकता है? ओके, वी हैव द चैरियट। नेक्स्ट वी हैव 8 of Wands। अगला कार्ड हमारे पास में है 4 of Cups, Ace of Pentacles एंड 7 of Swords। गाइज, आंसर तो यहाँ पे मुझे यस में ही मिल रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। ऑल दो यस थिंग्स कैन टेक सम टाइम, चीजें जो है वो थोड़ा सा समय ले सकती हैं आगे बढ़ने में, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बहुत तेजी से आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ा हो और उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया हो, या ऐसी चीजें जो है वो नेक्स्ट 4 to 12 months के अंदर होने वाली है। स्पेशली जिन लोगों को ये रीडिंग अभी मिल रही है, अप्रैल के मंथ में मिल रही है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि जुलाई मंथ तक चीजें जो है वो आप लोगों के बीच में आगे बढ़ सकती हैं, एंड देन कुछ ब्रेक आ सकता है, या ये पर्सन जो है किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 of Wands का कार्ड है। आपको फिर से होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली अगर अभी तक की एनर्जीज जो है वो कम्प्लीटली आपके साथ में मैच कर रही हैं, एंड अगर आपको 2 साल या 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अगर आपको स्पेशली 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस पर्सन के साथ में आप वेट करते हुए, या इनके टूवर्ड्स आपके मन में इमोशंस हैं बट कुछ हो नहीं रहा है इस सिचुएशन में, एंड आप 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, आप स्टक हैं, तो आपके लिए सजेशन है एक तरीके से टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। अदरवाइज फॉर मैक्सिमम पीपल मैं देख रही हूं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान के मन में आने वाले समय में आपके लिए कुछ इमोशंस बढ़ सकते हैं, बट मोस्टली मुझे यहाँ पर अभी भी ये चीज दिखाई दे रही है कि कुछ पिटीफुल इमोशंस इनके मन में है, ये पिटी फील कर सकते हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर सम पीपल, अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग। दिस पर्सन कैन फील अ लिटिल पिटीफुल टूवर्ड्स यू, थोड़ा सा जैसे दया आती है किसी के ऊपर, वैसे दया वाली फीलिंग इनके मन में आ सकती है आपके लिए। ओके, एंड आपको बुरा ना लगे या आप और ज्यादा हर्ट ना हो, ये सोच करके हो सकता है कि ये आपसे बात करे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, बट एक इमोशनल कनेक्ट आने वाले टाइम में आपका इनके साथ में बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए चीजें जो है वो अचानक से आगे बढ़ने वाली हैं, अचानक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं, और ये पूरी जो सिचुएशन है आपकी, अगर आपका जो कंफ्यूजन है इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के, वो इस साल के अंदर, जो लोग 2023 में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन को लेकर के, इनके इमोशंस को लेकर के और इस सिचुएशन को लेकर के। आप या तो इस इंसान के साथ में कनेक्शन में आ जाओगे, या फिर कुछ लोग जैसे 10 to 20% वाली पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो लोग शायद मूव ऑन करेंगे, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग जो हैं वो इनके साथ में, इस इंसान के साथ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन में आने वाले हैं।
अगेन प्लीज मेरी बात पे जरूर से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते रह जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। सो अगर आपको 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। 3 ईयर्स से ज्यादा अगर आपको वन साइडेड लव में हो गए हैं किसी के साथ में, देन दिस इज हाई टाइम फॉर यू टू मूव अहेड इन योर लाइफ, और अपनी लाइफ में आप नए दरवाजे खोलें, नए अपॉर्चुनिटीज का, नए लोगों का वेलकम करें। ओके, यस, मैनी मैनी ऑफ यू आर, आई वुड से 90-95% ऑफ यू आर इन कार्मिक कनेक्शन विद दिस पर्सन, और आप लोगों का जो कार्मिक कनेक्शन है ऑफकोर्स वो ओवर तो नहीं हुआ है इनके साथ में, बिकॉज ज्यादा कुछ आप लोगों के बीच में शायद नहीं हुआ है। सो या थिंग्स आर लेफ्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो अभी आप लोगों के जर्नी में जो है बाकी हैं। मैं यहाँ पर ये चीज भी देख रही हूँ कि रिसेंटली इस इंसान ने ऐसा सोचा है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, और बहुत जल्दी आपसे कुछ बात करने के बारे में भी कुछ थॉट इनके मन में आया है, बट इनको जज किए जाने का डर है, इनको ये फियर है कि पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या आप इनसे क्या बोलेंगे, या आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, कहीं ये डेस्परेट तो नहीं लगेंगे आपसे बात करते हुए। ओके, सो हेजिटेशन इनके मन में है आपके टुवर्ड्स थोड़ी बहुत, प्लस कुछ और चीजें भी इनकी लाइफ में चल रही हैं जो कि हिडन एस्पेक्ट्स हैं। ओके, जो ऐसी चीजें हैं जो कि आप नहीं जानते हो, या ज्यादा लोग इनकी लाइफ में नहीं जानते हैं। वन मोर मैसेज और वन मोर हिंट कह सकते हैं, हिंट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन, ये पर्सन जो है काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के हो सकते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये अपनी सारी बातें जो है वो खुद तक ही सीमित रखते हैं। इवन इनकी लाइफ में अगर कोई टेंशन भी होती है तो उसको भी ये लोगों के साथ में बांटना पसंद नहीं करते हैं। ये खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के बारे में सोचते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को जीते हैं। ओके, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन भी फील करते हैं एट टाइम्स, या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं। बट या इनका जो इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में आ रहा है, इस इंसान का जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है वो काफी ज्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। समहाउ इनकी कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि आपको अफेक्ट करने वाली है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड आपके लाइफ में या तो कुछ नया शुरू होगा इस इंसान की वजह से, या आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा ट्रैक है जिसको आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो, वो ट्रैक आपका जो है कुछ चेंज होने वाला है। मे बी इट कुड बी अ जॉब चेंज, इट कुड बी अ करियर चेंज, इट कुड बी द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स। ओके, सम मेजर चेंज इस इंसान की प्रेजेंस से, इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से कुछ बहुत मेजर चेंज जो है वो जरूर आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, और हो सकता है कि काफी सारे लोग जो है वो ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर भी चुके हो। यस, सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप आप लोगों की जो ये सिचुएशन चल रही है वन साइडेड लव से रिलेटेड, इसको लेकर के आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इट वॉज अ सजेस्टेड रीडिंग, आप ही में से किसी ने कॉमेंट सेक्शन में ये रीडिंग सजेस्ट करी थी, सो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आई हूं। अगर इस रीडिंग से आप लोगों की कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इफ यू आर न्यू। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।